अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि हमारा चैप्टर 16 ये सैम्पलिंग की भी डिस्कशन होगी, रिवीजन होगी। अब हम 17 चैप्टर एस्टीमेशन जो है, यानी कि चैप्टर 17 का सेकंड पार्ट, उसकी हम रिवीजन देखते हैं। एस्टीमेशन है किसके बारे में देखते हैं। एस्टीमेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर के जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं, हमने उनके बारे में एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना है। पॉपुलेशन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं आपको पता है? मीन होता है पॉपुलेशन पैरामीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, ये भी पैरामीटर होता है, ठीक। उसके बाद पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पी, ये भी हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है, और डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये हमारे पास सारे सारे पॉपुलेशन के पैरामीटर हैं। ऑब्वियस बात है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस भी होता है, ठीक है। तो इन सारे के सारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज को, जो कि अननोन होती हैं, जिनके बारे में हम जानना चाह रहे होते हैं, उनको एस्टिमेट करने का नाम एस्टिमेशन होता है, ठीक हो गया। एस्टिमेट क्या होता है और एस्टिमेटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने मीन फाइंड किया, तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या सैंपल मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं, समेशन एक्स ओवर एन। ये जो समेशन एक्स ओवर एन है ना, इसको एस्टिमेटर कहते हैं पॉपुलेशन मीन का, यानी कि जो फॉर्मूला यूज करते हैं मीन का, ये देखें जैसे कि वेरियंस का, इसको एस्टिमेटर कहते हैं। और इन फॉर्मूला से जो आंसर आया, अज्यूम करें हमने कहा समीशन एक्स 25 है, एन 5 है, तो मीन कितना आया 5। ये जो मीन आता है ना, मीन ये जो आंसर आता है, इस आंसर का नाम होता है एस्टिमेट, ठीक है। दो तरह के एस्टिमेशन के मेथड होते हैं, एक कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, एक कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन आसान है, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली इंटरवल ज्यादा आती है, क्योंकि ये बहुत आसान होती है। पॉइंट एस्टिमेशन में कुछ भी नहीं करना होता, मतलब कुछ भी ना करें फिर भी पॉइंट एस्टिमेशन आपको आ जाती है, मतलब इतनी आसान है। पॉइंट एस्टिमेशन है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। कहता है ये पॉपुलेशन पैरामीटर की अननोन वैल्यूज को एस्टिमेट करने का नाम है, एज अ सिंगल वैल्यू। कहता है ये सिर्फ सिंगल वैल्यू से क्या करता है, एस्टिमेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमारे पास समीशन एक्स टोटल, हमारे पास मान लेते हैं कि समीशन एक्स जो आया वो 25 आया। हमने कहा जो हमने सैंपल यूज किया वो 5 स्टूडेंट का किया, तो देखें मीन कितना आया, समीशन एक्स ओवर एन 25 डिवाइड बाय 5, तो मीन कितना आया 5। ये जो सैंपल मीन आता है, पॉपुलेशन मीन भी वही होता है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में ये कहते हैं हम सिंपल ये एस्टिमेट करते हैं कि भाई जो हमारा सैंपल का आंसर आएगा वही हमारा पॉपुलेशन का आंसर आएगा, ये पॉइंट एस्टिमेशन होती है, ठीक हो गया। तो हमने ये, जैसे कि लेट्स सपोज, हमने ये कहा कि एवरेज ये देखना चाह रहे हैं कि हर ईयर में, पर ईयर में जो एवरेज जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। तो हमने कहा कि हम सैंपल बेस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमने सैंपल कैलकुलेट किया, मान लेते हैं आंसर 5 आया, ये या पर वीक ले लें, पर डे ले लें, पर डे एवरेज 5 आया, तो हमने कहा पर डे 5 है, इट्स मीन पॉपुलेशन भी 5 है। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन में होता है जो सैंपल मीन होता है वही पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पॉइंट एस्टिमेशन में पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना आसान होता है, लेकिन एक बात याद रखनी है, पॉइंट एस्टिमेशन में एरर ज़्यादा होता है हमारे पास, क्योंकि इसमें जो क्योंकि हम डायरेक्ट ये कह देते हैं कि मीन जो है, जो सैंपल मीन है वही पॉपुलेशन मीन है, इसलिए पॉइंट एस्टिमेशन में एरर ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है गलती का, ठीक है। अच्छा, तो देखें फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है सैंपल मीन कितना 10, पॉपुलेशन मीन भी 10 होता है, ये पॉइंट एस्टिमेशन ये होता है। तो अगर हमने सैंपल वेरियंस पॉइंट किया, सैंपल वेरियंस 2.25 है, तो पॉपुलेशन वेरियंस कितना होगा, यानी कि सिग्मा स्क्वायर पॉइंट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग वो भी 2.25 होगा, यानी कि पॉइंट एस्टिमेशन में जो सैंपल के आंसर होंगे सेम आंसर पॉपुलेशन के होंगे, ये पॉइंट एस्टिमेशन होते हैं। फिर अनबायसनेस, हमने कहा हकीकत में तो अनबायसनेस होनी चाहिए, अनबायसनेस का मतलब होता है एरर फ्री होना चाहिए। कहते हैं मीन अनबायस कब होगा, मीन अनबायस तब होगा जब मीन इक्वल टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के इक्वल होगा। हमने ये बात क्लेम की थी, हमने कहा था एक्स बार नेवर इक्वल टू मीन, एक्स बार और मीन कभी इक्वल नहीं होते। क्यों इक्वल नहीं होते,
एक्स बार के लिए सैम्पलिंग की स्टडी होती है, मीन के लिए पूरी पॉपुलेशन की स्टडी होती है, इन दोनों में इक्वालिटी नहीं आती और इक्वालिटी नहीं आ रही, इसी को तो हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। हाँ, पॉइंट एस्टिमेशन में सिर्फ इजाजत है, पॉइंट एस्टिमेशन ऐसा कैसे जहां पे दोनों इक्वल हो रहे हैं लेकिन लॉजिकली नॉर्मली इक्वल नहीं होते। हमने कहा एक्स बार अनबायस्ड होगा, यानी कि मीन अनबायस्ड होगा, मीन में कोई एरर नहीं होगा जब मीन इक्वल टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन होगा। फिर वेरियंस बायस्ड होगा, वेरियंस सैंपल वेरियंस है, ये बायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन वेरियंस के। एस स्केयर, ये कैपिटल एस है स्मॉल एस, ये कैपिटल एस है यानी कि ये कैपिटल एस का स्केयर है और ये स्मॉल एस का स्केयर है, ठीक है जी। स्मॉल एस स्केयर जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्केयर का, याद रखें ये जो फॉर्मूला पढ़ा है ये हमने चैप्टर 12 में पढ़ा हुआ है और ये फॉर्मूला आज तक कभी नहीं पढ़ा, एन माइनस वन, याद रखेगा जो भी हम चैप्टर 12 में यूज कर रहे होते हैं वेरियंस वो बायस्ड एस्टिमेटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें कोई एरर आ रहा होता है, लेकिन ये जो एन माइनस वन होता है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगर एग्जामिनर पूछे कि वेरियंस बायस एस्टिमेटर का फॉर्मूला क्या है, आप कह देंगे ये है, वो कह गया वेरियंस अनबायस एस्टिमेटर का फॉर्मूला क्या है, आपने एन माइनस वन वाला उसको बताना है, ठीक है। और ये एन माइनस वन वाला जो अनबायस एस्टिमेटर है ये हम टी टेस्ट में यूज करते हैं, आपको पता है टी टेस्ट में यूज होता है। पॉइंट एस्टिमेशन का क्वेश्चन देखते हैं अब एक, उसने कहा कि हमारे पास सैंपल साइज 4 है और चार वैल्यूज है हमारे पास ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन में से ली। कहता है फाइंड पॉइंट एस्टिमेटेड ऑफ मीन, हमने कहा जो एक्स बार होगा वही पॉइंट एस्टिमेशन होगा, चारों को जमा करो चार पे डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर वेरियंस भी है, बल्कि कैलकुलेटर से सारा कुछ कर लो, कैलकुलेटर में 2648 को कैलकुलेटर में पुट करो, टू सिक्स एट फोर्टीन को कैलकुलेटर में पुट किया तो कैलकुलेटर से जो मेरे पास मीन आया वो आया 7.5। तो देखें जो सैंपल मीन आया हमने कहा पॉइंट एस्टिमेशन मीन भी 7.5 है। वेरियंस क्या आया, हमने कहा जो सैंपल वेरियंस होगा वही एस्टिमेशन का वेरियंस होगा। तो वेरियंस मेरे पास डायरेक्ट नहीं आया, मेरे पास सिग्मा आया, तो पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेता हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आया 4.33, इसका स्केयर करना है तो स्केयर करने के लिए आ जाएगा 18.75, तो 18.75 वेरियंस आ जाएगा पॉइंट एस्टिमेशन का। कहता है पॉइंट एस्टिमेट फाइंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, आपको पता है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा वर अंडर रूट एन, तो सिग्मा कितना है 4.33 और अंडर रूट एन, एन कितना है 4, तो अंडर रूट 4 आपको पता है 2 होता है, तो 4.33 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 2.165, तो ये आंसर आ जाएगा 2.165, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा पॉइंट एस्टिमेशन था। नेक्स्ट इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन जो है ये बेस्ट एस्टिमेशन होती है, जब भी एस्टिमेशन करनी होती है इंटरवल एस्टिमेशन यूज करते हैं, ये बेस्ट होती है। इंटरवल जो है ये बेस्ट एस्टिमेशन इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लें अगर एक्स सैंपल मीन 12 आया 10 आया, ये पॉइंट एस्टिमेशन की तरह नहीं करता कि भाई सैंपल 10 आया पॉपुलेशन भी 10 आ जाएगा, ये अपने आप को सिक्योर रखेगा, एरर को कम रखेगा, रिस्क को कम रखेगा, ये कहेगा एक इंटरवल बताएगा, वो कहेगा 10 8 और 12 के दरमियान में कहीं ना कहीं मीन फॉल करता है। अब देखें एक्चुअल मीन भी यहीं पर कहीं पर आ रहा होगा, तो इंटरवल एस्टिमेशन एक बेस्ट एस्टिमेशन होता है पॉपुलेशन पैरामीटर की अननोन वैल्यूज को जानने का, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कोई भी ब्रांड है एनर्जी सेवर का ब्रांड है, कितने लोग इस एनर्जी सेवर के ब्रांड को यूज करते हैं, तो देखें अब कौन पूरे घरों से जाकर लोगों से पूछे भाई डोर नॉक करके आप कौन सा एनर्जी सेवर यूज करते हैं किस ब्रांड का, तो नहीं, हम क्या करेंगे शॉप पर खड़े हो जाएंगे, मुख्तलिफ शॉप्स को सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर लेंगे, वहां पर जो भी कस्टमर आएगा उससे पूछेंगे हाँ भाई आप कौन सा सेवर खरीद रहे हैं, वो बताता रहेगा, तो वो मीन हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम इंटरवल बता देंगे कि भाई इतने परसेंट से इतने परसेंट तक लोग इस सेवर को लाइक करते हैं, तो इंटरवल एस्टिमेशन एक सिक्योर एस्टिमेशन होती है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, बात याद रखिएगा। पॉइंट एस्टिमेशन
नॉर्मली यूज नहीं करते, क्योंकि वो एक वो सिंपल कहता है जो सैंपल वही पॉपुलेशन है, इसमें एरर बहुत ज्यादा होता है। इंटरवल एस्टिमेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इंटरवल, कहता है हम इंटरवल बनाते हैं सैंपल ऑब्जर्वेशन की मदद से टू फाइंड, ढूंढने के लिए किसको, अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को जानने के लिए। ठीक है, विद अ नोन प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी मालूम होती है या कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल हमें पता होता है, इस कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन। मोस्ट कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल ये होते हैं 90, 95, 99, 98, ये चार जो है मोस्ट कॉमनली कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं। ठीक है जी, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल को आपको पता चल गया क्या होता है। ठीक है जी, अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये होता है कि देख हमने ये कहा कि हम मान लें हमने ये कहा हम 90% कॉन्फिडेंट हैं कि जो लोग एनर्जी सेवर यूज कर रहे हैं वो एक कंपनी है, कंपनी ए, उसका सेवर यूज करें, हम 90% कॉन्फिडेंट है। इसका मतलब 90% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, तो इसके अगेंस्ट देखें टोटल 100% में क्या सकते हैं 10% हमारा रिस्क लेवल है, कि हो सकता है 10% लोग ऐसे हैं जो ब्रांड ए यूज नहीं कर रहे। रिस्क लेवल को अल्फा कहते हैं और इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंटरवल, इंटरवल की बात जब भी हो तो देखें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इंटरवल हमेशा याद रखना है, एस्टिमेशन इंटरवल याद रखना, हमेशा टू टेल होता है, इसकी हमेशा टू टेल बनेंगे। जब भी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, बल्कि यहां पे बना लेता हूं, जब भी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो देखें एक टेल रेंज यहां की होगी लोअर और एक रेंज अपर होगी, तो हमेशा यहां पे टू टेल है। तो याद रखना इंटरवल एस्टिमेशन में हमेशा टू टेल के फॉर्मूलाज यूज करने हैं। याद है कि मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 90% का एरिया के अगेंस्ट जी की वैल्यू कैलकुलेट करवाई थी, वो आंसर क्या आया था 1.645। तो देखें ये देखें एक प्लस में आया था एक माइनस में आया था, जिसको हमने कहा 1.645 भी किताबों में लिखते हैं और किताब वाले 1.65 भी लिखते हैं। फिर मैंने एक और कैलकुलेशन भी आपको करवाई थी, किसके लिए 95% के लिए। तो देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर ओपन करें जाकर, और 95% एरिया गिवन था, उसके गेन जी की वैल्यू क्या आई थी 1.96, वो देखें ये 1.96। तो देखा एक्चुअल वैल्यू यहां से आ रही होती नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन बजाय इसके कि हम एग्जाम में वैल्यूज को फाइंड करें, इन वैल्यूज को याद कर लें, क्योंकि नॉर्मली ये चार जो हैं फेमस जो हैं वो इन कॉन्फिडेंस लेवल हैं। एस्टिमेशन में हमेशा हमें टू टेल चाहिए, इसलिए वन टेल वाला कॉलम याद ना करें, एस्टिमेशन के क्वेश्चन में सिर्फ ये याद करें 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो रिस्क लेवल कितना हुआ 1%, तो 1% के अगेंस्ट वैल्यू क्या आएगी टू टेल में 2.58। 98% कॉन्फिडेंस लेवल है तो 2% रिस्क लेवल होगा, तो 2% की वैल्यू 2.33 होती है। 95% कॉन्फिडेंस रिस्क लेवल 5% वैल्यू 1.96, 90% कॉन्फिडेंस रिस्क लेवल 10% आंसर आ गया 1.645। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। फिर हमने कहा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करूंगा। मुझे पता है जो पॉपुलेशन पैरामीटर में एक मीन होता है एक प्रोपोर्शन होता है मेरे पास, ठीक है, तो सबसे पहले मैं मीन को एस्टिमेट करूंगा। मीन को एस्टिमेट करने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, एक को कहते हैं जी टेस्ट, एक को कहते हैं टी टेस्ट। मीन हम जी टेस्ट अप्लाई करें या टी टेस्ट अप्लाई करें ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। सबसे आसान कंडीशन है टी टेस्ट को याद रख लो, टी टेस्ट कब यूज करना है, टी टेस्ट तब यूज करना है जब हमारे पास सिग्मा जो है वो अननोन हो। सिग्मा आपको पता है पॉपुलेशन पैरामीटर है, जब पॉपुलेशन पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन ना हो, अगर पॉपुलेशन पैरामीटर गिवन नहीं है ऑब्वियस बात है कैलकुलेशन के लिए वो हमें क्या करेगा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन करेगा, यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और एंड का मतलब साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और एन 30 से कम है, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी हो रही हैं, तो टी टेस्ट लगाओ, अदरवाइज हमेशा जी टेस्ट लगना। बस ये याद रख लो बात, ये दोबारा बात याद रख लो, अगर सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब अगर सिग्मा अननोन है तो ऑब्वियस बात है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, हमें सिर्फ पॉपुलेशन को देखना है, इस सिग्मा को। सिग्मा अननोन है
जैसे सिग्मा अननोन देखा, हमारी फौरन नजर जाएगी सैंपल साइज पर, और अगर सैंपल साइज 30 से कम है तो हमने क्या करना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रही हैं, अगर नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, जी टेस्ट यूज करेंगे। तो जी टेस्ट या टी टेस्ट लगना है तो सिंपल रूल याद रख लें, टी टेस्ट वाला। अगर टी टेस्ट लगेगा तो ठीक है, नहीं तो जी टेस्ट लगेगा। तो टी टेस्ट के रूल क्या है, फिर रिवाइज करते हैं। हमने कहा सिग्मा अननोन होना चाहिए, एन 30 से कम होना चाहिए, ठीक है। जी के लिए देखते हैं, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो चुपचाप जी टेस्ट लगना है, अब एन को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर सिग्मा इज अननोन, जैसे सिग्मा अननोन आया हमारे फौरन कान खड़े हो गए, यार काश टी टेस्ट ना लग जाए, तो हमने एन को देखना था। देखें टी टेस्ट तब लगेगा जब सिग्मा अननोन भी हो, एन लेस देन 30 भी हो। तो सिग्मा अननोन था, हमने कहा अब एन फैसला करेगा कौन सा टेस्ट लगना है, एन ग्रेटर देन 30 था, हमने कहा शुक्र है ग्रेटर देन 30 जी टेस्ट, क्योंकि जी टेस्ट आसान टेस्ट होता है, एक बड़ा आसान है, जैसे मिनट में आंसर इसके आते हैं। टी टेस्ट भी आसान ही है लेकिन कंपैरेटिवली जी ज्यादा आसान है। तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है तो जी टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला सिनेरियो ये है, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा होता है वो हमें एग्जामिनर ने गिवन कर दिया, ठीक है। कहता है अ सैंपल ऑफ सैंपल ऑफ 100 मेल, हमने कहा स्मॉल एन आ गया, मीन कितना है 170, तो सैंपल का एन होगा। तो देखें अगर क्वेश्चन सैंपल के स्टेटमेंट सैंपल की चल रही है, अगर सारी इंफॉर्मेशन सैंपल की होगी, सैंपल का एन तो ये मीन भी सैंपल होगा, ये एक्स बार आ गया। विद अ पॉपुलेशन, हमने कहा हाँ तुम्हारा तो ही इंतजार था पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, हमने कहा ये हमारे पास सिग्मा आ गया। जैसे सिग्मा देखा हमने फौरन फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला होता है पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने का, एक्स बार प्लस माने जी अल्फा वर 2 सिग्मा वर अंडर रूट n। तो एक्स बार देखिए कितना आ गया 170, तो देखें इस एक्स बार की जगह मैंने लिख लिया 170 प्लस माइनस जी अल्फा वर 2 को थोड़ी देर के लिए स्किप करें, बड़ा आसान है वैसे। सिग्मा कितना है 8, तो यहां से आ गया 8। एन कितना है 100, तो अंडर रूट 100। ये जो जी अल्फा वर 2 है ना, ये जो जी अल्फा वर 2 ये हमें पता चलेगा क्वेश्चन के कॉन्फिडेंस लेवल से। कॉन्फिडेंस लेवल कितना 95%, तो रिस्क लेवल कितना हुआ 5%। तो 5% में Z की वैल्यू क्या होगी 2 टेल में, तो देखें वो हमने याद ही की हुई है, हमने कहा वो तो 1.96 होती है, वो तो 1.96 होती है, हमने कहा कंफर्म करो जरा। तो हमने देखे, हमने कहा 5% के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 2 टेल में 1.96, तो हमने कहा 1.9, तो हमने 1.96 यहां पे लिख लिया 1.96। लो जी आंसर आ गया, 170 में से माइनस करो सारी वैल्यूज को, फिर 170 में ऐड करो ये सारी वैल्यूज को, तो आंसर आ जाएगा माइनस करने से 168.43, और 170 में जब मैं ऐड करूंगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 100, तो आंसर आ जाएगा 171.57, ठीक है। तो देखें हमारा सैंपल मीन कितना था 170, हमने कहा अगर ये पॉइंट एस्टिमेशन होता तो मैं कहता हमारा पॉपुलेशन मीन भी 170 है, लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन है, हमने कहा भाई सैंपल 170 है लेकिन जो पॉपुलेशन होगा वो 168 और 171 के दरमियान में कहीं भी आ सकता है, तो ये बेस्ट एस्टिमेशन होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, अब हमने कहा कि अगर एन लेस देन 30 होगा तो टी लग जाएगा, अगर एन लेस देन 30 ना हुआ तो जी लग जाएगा। तो एन देखा, उसने कहा ग्रेटर देन 30, हमने कहा क्वेश्चन देखते हैं, अ रैंडम सैंपल, तो देखें क्वेश्चन सैंपल का चल रहा है, 150 एन आ गया। कहता है अ रैंडम सैंपल 150 कार, हमने 150 कार का सैंपल लिया, ऑन अ सर्टन ब्रिज शो मीन स्पीड, वो ब्रिज के ऊपर से जो उनकी एवरेज स्पीड है ब्रिज से गुजरने की वो कितनी 89.9, ये एवरेज कौन सा है सैंपल। देखें ये पॉपुलेशन तो कभी नहीं हो सकता ना भाई, पॉपुलेशन को तो मैंने फाइंड करना है, तो अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन कर दिया तो फाइंड किसको करना है, तो हमेशा मीन सैंपल होगा।
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15.2। हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, लेकिन कौन से वाला, सैंपल वाला पॉपुलेशन वाला? ओहो, हमने कहा भाई ऊपर तो इंफॉर्मेशन सैंपल की चल रही है, ये सैंपल का एन हो गया, ये सैंपल का मीन हो गया, और ये सिग्मा नहीं हो तुम तो एस हो, ये सैंपल का हो गया, इसका मतलब सैंपल अननोन हो गया। अब फैसला करेगा एन, तो एन कितना है 30 से ग्रेटर, तो हमने कहा देखो जी टेस्ट लगेगा, तो ये जी टेस्ट लगेगा। व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीन, मीन है 89.9 प्लस माइनस जी जो है ये कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 95%, तो 95% का आपको पता है वैल्यू क्या आती है 1.96। लेट चेक, ये देखें 95% की वैल्यू क्या आती है 1.96 टू टेल में, तो ये देखें 1.96 मैंने लिख दिया, तो आ गया 1.96 मल्टीप्लाई है सिग्मा कितना है 15.2, अंडर रूट एन कितना है अंडर रूट 150, तो 89 में से माइनस करेंगे 1.96 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87.47, और 89 में जब प्लस करूंगा 1.96 का सारा तो 92.33 आ जाएगा, तो ये मेरे पास मेरा इंटरवल आ जाएगा। देखें हमारा, हमने कहा सैंपल की बेस के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो हमने कहा सैंपल स्पीड ये है 89, तो हमने कहा पॉपुलेशन क्या होगी। अब देखें हमने इंटरवल में एक लोअर ओरिक पर बता दी, हमने कहा हो सकता है पॉपुलेशन मीन 87 और 92 के दरमियान कहीं 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 पर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेशन इसकी कर रहे होते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता है सिग्मा अननोन है, सिग्मा अननोन है और एन जो है वो लेस देन 30। हमने कहा ओहो मारे गए, टी टेस्ट लग गया, हमने जैसे ही देखा हमने कहा टी टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए तो बिल्कुल सारी चीजें मैं डिफाइंड करूंगा। कहता 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, देखें हमेशा बात लिखा होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्योंकि ये इंटरवल का लफ्ज पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना इंटरवल एस्टिमेशन क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखें 90 कॉन्फिडेंस इंटरवल, इंटरवल का वर्ड लिखा हुआ है, खैर यहाँ पर उसने लिखा हुआ, ठीक है, नॉर्मली कॉन्फिडेंस इंटरवल का वर्ड वो लिखता है। कहता है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, रैंडम सैंपल साइज एन जो है 25 है, एवरेज एक्स बार सैंपल है, स्टैंड डेविएशन कितना है 1000, लेकिन सैंपल का स्टैंड डेविएशन है एस, हमने कहा एस यानी कि सिग्मा अननोन है, हमने एन देखा एन 25 है, हमने कहा टी टेस्ट लगेगा, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 एन माइनस 1। ये जो एन माइनस 1 है ना, ये क्या चीज होती है, ये एन माइनस 1 याद रखिएगा, ये जो एन माइनस 1 है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये हमें वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मेरे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, आप कहेंगे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि डी डॉट एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है एन माइनस 1 टी डिस्ट्रीब्यूशन में, एन कितना है 25, 25 में से एक माइनस करो, आपके आंसर डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन में 24 है, सिंपल, ठीक। अब टी अल्फा वर टू एन माइनस 1, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट सी व्हाट इज द एक्स बार, एक्स बार कितना है 10000, तो यहां पर आ गया 10000 प्लस माइनस टी अल्फा वर टू एन माइनस 1 का थोड़ी देर के लिए छोड़ें, एस कितना है 1000, एन कितना है 25, अंडर रूट 25 आ गया। अब ये जो टी अल्फा वर्ड टू एन माइनस 1 है ना, इसकी वैल्यूज को याद यूद नहीं होती हैं, इसको लिखने के लिए हम यूज करेंगे टी टेबल, हम क्या यूज करेंगे टी टेबल। अब टी टेबल मुझे इसके लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो टी टेबल जरा यूज करते हैं, तो टी टेबल यूज करने के लिए मुझे टी टेबल आपके साथ शो करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हुँ।
अच्छा जी, ये हमारे पास चल रहा है सारा के सारा जी टेबल, ठीक है जी। तो ये टी टेबल आ गया मेरे पास, ठीक है। तो टी टेबल को रीड किस तरह करना है ये देखना है। सबसे पहले ये सीखते हैं कि इसका हाउ टू रीड। ये देखिए ऊपर वन टेल है, तो ये देखें सारी वन टेल की वैल्यूज लिखी हैं। वन टेल में 0.5 ये 5% आ जाएगा, ये 2.5, ये सारी वैल्यूज हमारे पास इस तरह आ जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। ये टू टेल की 10%, 5%, 2%, 1%, 0.5%, ये टू टेल के। और ये डी एफ, ये डी एफ जो है ये डिग्री ऑफ, ये जो डी एफ होता है ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है जी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखते हैं कि टी टेबल से वैल्यूज कैसे देखनी है। तो टी टेबल में देखें हमारे पास टी अल्फा बाय टू, टी अल्फा बाय टू देखना है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 95%, क्योंकि अल्फा रिस्क लेवल होता है। आपने क्या करना है, आपने देखा, आपने कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल 95%, लेकिन जो रिस्क लेवल है अल्फा कितना है, वो है 5%, 5%। तो यहां पे टी अल्फा बाय टू है, यानी कि आप इसको 5% अल्फा बाय टू को 5% को 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन आप ना करें इसको, ना करें इस तरह बस, ठीक है। आपने ये देखना कि रिस्क लेवल कितना है, रिस्क लेवल आपने कहा सर 5% है। हमें पता है इंटरवल एस्टिमेशन टू टेल होती है, तो आपने क्या करना है, इस 5% को टू टेल में देखना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 24, यानी कि आपने इस तरह देखना है, इस तरह कुछ करें, टी 0.05 को n-1 25-1 24, तो यानी कि टू टेल में जाएं, 0.05 को 24 में देखिए आंसर क्या आता है, तो आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सी आंसर क्या आता है, टू टेल, ये टू टेल है तो 0.05, तो ये देखिए मेरे पास ये 0.05 है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास 0.05 आ गया, ठीक है। तो लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या था, वो 24 था हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास 24 था। ये 0.05 तो आ गया ना मेरे पास, ठीक है। अब इसको मुझे देखना है 24 में, तो 24 ये मेरे पास 24, तो 24 को देखूंगा 0.05 में, तो 24 तो ये आ गया मेरे पास। ये 24 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो 24 पर वैल्यूज आ गई मेरे पास ये वाली, ठीक। 2.06 ये आ गई 24, 2.0639, ठीक है, 2.0639। अच्छा जी 2.0639, और ये किसका था, ऊपर चलें देखें, टू टेल है, तो टू टेल में हमने 0.05 के अगेंस्ट 24 की वैल्यूज देखी, वो आई मेरे पास ये वाली 2.0639, तो 2.0639 देखना, तो 2.± 2.0639, तो ये मेरे पास सॉरी 2.0639 किधर गया, 24 ये 2.0639, ठीक है। तो 10,000 है, तो 10,000 इधर आ गया, प्लस माइनस ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1,000 इधर आ गया, अंडर रूट 25 इधर आ गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें आंसर क्या आता है, ज़रा पहले माइनस करके देखें ज़रा, 10,000 माइनस 2.0639 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइड बाय अंडर रूट 25, तो आंसर आ गया आपके पास 9587.22, और जब ऐड करेंगे तो 10412.78, तो ये आपके पास एक इंटरवल एस्टिमेशन आ जाएगी, जो कि ये देखें पड़ा हुआ है आपके पास। तो अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज को कैसे देखना है वो मैंने आपको सिखा दिया। 5% होगा, 5% को टू टेल में देखना है, कहां पर, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने एस्टिमेट करना सीख लिया किसको, ये देखें खत्म हो गया, पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना सीख लिया हमने। इसमें तीन तरीके होते हैं, दो जी टेस्ट एक टी टेस्ट। नेक्स्ट हमने दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आगे, उन दोनों के दरमियान एस्टिमेशन कैसे फाइंड करें,
डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, मीन वन माइनस मीन टू, यानी कि दो इन्फॉर्मेशन है. हमने कहा कि क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि क्वेश्चन बताऊंगा आपको. क्वेश्चन ये है कि सिग्मा वन सिग्मा टू दोनों नोन होते हैं, यहाँ पे हमेशा दोनों नोन हो गए. इसका अननोन का हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर्मूला, हालांकि वो भी सॉल्व होता है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है. तो मीन वन माइनस मीन टू फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हमने एस्टिमेट करना हो. तो मीन वन माइनस मीन टू प्लस माइनस जी अल्फा ओवर टू स्केयर रूट ऑफ सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू. द क्वेश्चन इज दिस, रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट आर टू बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट. कुछ गांव के रहने वाले स्टूडेंट थे, कुछ शहर के रहने वाले स्टूडेंट थे. हमने उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया और उनका स्कोर कंपेयर किया. तो रूलर जो गांव वाले लोग थे, हमने 100 बच्चे सिलेक्ट किया. उनका मीन और मीन वैल्यूज यहां पे मिस हो गई, मीन वैल्यूज यहां से मिस हो गई. देखनी पड़ेंगे मीन वैल्यूज इसकी क्या है. ठीक है, मीन वैल्यूज यहां पे लिख लेते हैं कि जो मीन वन है वो लिख लें कि 81.2 है, 81.2 है, और मीन टू है 76.4, 76.4. स्टैंडर्ड डेविएशन वन है 7.6, 7.6. स्टैंडर्ड डेविएशन टू है 8.2. ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, लेट्स सॉल्व. अच्छा जी, हमने कहा कि हमारे पास एन वन आ गया, एन टू आ गया, मीन वन मीन टू. देखें जब भी दो इन्फॉर्मेशन होगी, ये हो गया मीन वन और ये अर्बन मीन टू कह लें. ठीक है, इसको मीन टू कह लें. तो इन दोनों को एस्टिमेट करना है. तो जब इस तरह की दो इन्फॉर्मेशन होंगी, दो डाटा होंगे डिफरेंट, तो इट्स मीन अब दोनों को हमने उनके डिफरेंस का एस्टिमेट करना है. तो एन वन मीन वन इनको फॉर्मूलाज में पुट करते हैं. ठीक है, तो देखें मीन वन मीन टू, तो मीन वन कितना हमारे पास 81.2, तो यहाँ पर आ जाएगा 81.2 माइनस मीन टू कितना हमारे पास, मीन टू देखते हैं 76.4, तो यहां पर आ जाएगा 76.4. जी अल्फा बाय टू कितना है वो बताएगा कॉन्फिडेंस 98%. 98% के लिए जी की वैल्यू क्या होती है देखें जरा. 98% के लिए 98% जी की वैल्यू होती है 2.33. तो 2.33 लिखेंगे हम. हाँ ये आ गया प्लस माइनस 2.33 स्केयर रूट ऑफ वेरियंस वन. ये तो सिग्मा है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका वेरियंस लेना है. तो 7.6 का स्केयर करूंगा, मैं करूंगा 7.6 का स्केयर. एन वन कितना था 100 प्लस वेरियंस टू कितना है, वेरियंस टू 8.2 का स्केयर और एन 90 है, तो 8.2 का स्केयर, 8.2 का स्केयर और ये आ जाएगा मेरे पास 90. ठीक है जी, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करें जरा इसको. तो सबसे पहले 81.2 माइनस 76.4 किया तो आंसर आ गया 4.8. तो ये आ जाएगा 4.8 प्लस माइनस 2.3 आगे सारा के सारा आंसर. तो सबसे पहले माइनस करते हैं, तो 4.8 माइनस 2.33 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8.2 का स्केयर 90. तो माइनस ही आंसर आ गया, माइनस ही जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि 2.12 और प्लस करने से आंसर आता है 7.2.
48। तो ये देखें, ये हमारा आंसर है। देखें हालांकि डिफरेंस ऑफ सैंपल कितने, देखें डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन कितना था 4.8। अगर पॉइंट एस्टिमेशन होता तो मैं कहता जो सैंपल का डिफरेंस है वही मीन 1 - μ2, वो भी 4.8 है। कब? अगर पॉइंट एस्टिमेशन होता। इंटरवल की बात है, हमने कहा 4.8 सैंपल का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है वो 2.12 से लेकर 7.42 कहीं भी हो सकता है, इसलिए बेस्ट एस्टिमेशन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने क्या किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है किसके लिए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को काफी वेटेज देता है, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का देखिएगा फॉर्मूला क्या है, ये होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेंशन नहीं है, इसमें हमेशा जी टेस्ट यूज होता है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में हमेशा जी, इसमें टी टेस्ट लगता ही नहीं है, ठीक है, प्रोपोर्शन में हमेशा जी टेस्ट लगता है। तो फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शन प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ओवर एन। तो ये जो p होगा ये हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शन है, और q कैसे आ जाएगा, 1 - p से आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपसे आइडिया हो जाएगा आपको जरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जरा ट्राई करें खुद से, सॉल्व होता है आपसे। शाबाश, जल्दी से। अच्छा जी, वो कह रहा है अ सैंपल ऑफ 500 पीपल 215 ऑफ देम वर मेल। तो ये हमारे पास क्या है, उसने कहा कि 500 लोग हैं उसमें से 215 मेल हैं। एस्टिमेट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, खुद कह दिया कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करो, कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, ठीक है। तो हमने कहा कि पी क्या है, तो हमने कहा पी है टोटल 500 लोग हैं उसमें से 215 ये प्रोबेबिलिटी है, 215 डिवाइडेड बाय 500, तो आंसर आ गया 0.43। तो ये पी है, तो क्यू क्या आ जाएगा, 1 - 0.43, तो 0.57 आ जाएगा, ठीक है, 0.57 आ जाएगा। तो अब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, पी कितना है मेरे पास, 0.43, यहाँ पर आ जाएगा 0.43 प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 95%, यानी कि रिस्क लेवल 5%, 2 टेल के लिए वैल्यू होती है 1.96, ये याद है हमें, तो लिख लिया 1.96। फिर स्क्वायर रूट ऑफ पी कितना है मेरे पास, 0.43 मल्टीप्लाई बाय 0.57, एन कितना है, एन हमारे पास 500 है, एन हमारे पास 500 है। तो वैल्यूज देखें क्या आती हैं, इसकी वैल्यूज देखने की आती है, ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो पहले माइनस करेंगे, तो माइनस करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.387, और ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.473। तो परसेंटेज में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 38.7% से लेके 47.3%। तो ये इसकी हमारे पास एस्टिमेशन निकल आएगी, ठीक है नी। तो इसको जरा जल्दी से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि अब हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट करना है किसका, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ जाएंगे, यानी कि दो हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोस आ जाएंगे, और दोनों जो हैं वो प्रोबेबिलिटी के सेंस में होंगे, प्रोपोर्शन के सेंस में होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरह डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन देखा, सेम फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, यानी कि सैंपल का पी वन माइनस सैंपल पी टू प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 पी वन क्यू वन ओवर एन वन पी टू क्यू टू ओवर एन टू, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं अ सर्टेन चेंज इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट पार्ट इज बीइंग कंसीडर, सैंपल आर टेकन यूजिंग द बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोसीजर। एग्जिस्टिंग प्रोसीजर और न्यू प्रोसीजर से हमने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोसीजर क्या था, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को आप बिल्कुल पी वन कह सकते हैं। तो पी वन जो है ये एग्जिस्टिंग है, पी वन, तो पी वन क्या है, 75
क्या था, डिफेक्ट निकलते हैं, हर 1500 में से 75 आइटम डिफेक्टिव निकलती हैं, ये हमारा एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। तो देखें पी क्या आ रहा है, 0.05, तो पी आ गया 0.05, तो ऑब्वियस बात है क्यू वन क्या आएगा, 0.95, ठीक है, तो क्यू करेगा 0.95, ठीक है, तो एन वन कितना आ गया, 1500, सही है। अच्छा अब हमें देखना कि जो न्यू प्रोसीजर है, न्यू प्रोसीजर में क्या सूरत हाल है, तो न्यू प्रोसीजर में सूरत हाल कुछ ही है, हर 2000 में से 80 खराब हो रही हैं, 2000 में से 80 खराब हो रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 80 डिवाइडेड बाय 2000, 0.04, 0.04, ये आपके पास P था, P2, तो Q2 कितना आ जाएगा, 0.96, तो N2 कितना आ जाएगा, 2000, सारी वैल्यूज आ जाएगी, इसमें पुट कर लें, ठीक है। जब हम पुट करेंगे P1 माइनस P2, तो P1 कितना है, P1 हमारे पास ये है कि P1 0.05 माइनस P2 कितना है, 0.04, ये तो डिफरेंस आ गया, प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 90%, 90% मीन 10% के लिए जी अल्फा बाय 2 क्या था, तो देखें क्या वैल्यूज थी, जाएं 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 जाएं, ये देखें 10% ये 1.645, तो 1.645, तो 1.645 आपके पास वैल्यूज है, ठीक है जी, तो आंसर आ गया 1.645 या 1.65 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। आगे वैल्यूज हमें लिखनी है, ठीक है, तो वैल्यूज लिखने के लिए आप बल्कि यहां पे लिख लें सारी वैल्यूज को, आप इस तरह कर लें 0.05 माइनस 0.04 प्लस माइनस 1.645, और यहां पे कर लें आप 1 कितना है आपके पास, P1 है 0.05, यहां पर आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना है, 0.95, N1 कितना है, 1500, प्लस P2 कितना है, 0.04, 0.96 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, तो माइनस करें प्लस करें तो देखिए आंसर क्या आता है, 0.01 ये हो गया, प्लस माइनस 1.645, आगे सारी वैल्यूज देखने क्या आता है, तो 0.01 पहले माइनस करूंगा 1.645 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.95 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है, प्लस फिर 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.96 डिवाइडेड बाय 2000, तो माइनस करने से वैल्यूज आई, माइनस करने से जो रेंज आई है वो ये आई है, माइनस 0.0017, यहाँ से लेके अब जब ऐड करूँगा इसमें वो ऐड करके वैल्यूज आती है 0.021, तो ये हमारे पास सारी की सारी रेंज बनती है। तो देखें हमारे पास डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या था, 0.01, तो हमने कहा 0.01 जो है ये माइनस यहां से लेके, खैर प्रोपोर्शन माइनस में तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी रेंज उसने बता दी, यानी कि 0 से लेके 0.2 के दरमियान वो कहीं कहीं
एक्चुअल पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। तो इस तरह आपते हैं जब टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ जाए तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हमने सैंपल साइज डिटरमिन करना, तो सैंपल साइज का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू सिग्मा जी अल्फा बाय टू सिग्मा डिवाइड बाय ई ओवर स्केयर। ये ई क्या है? ये ई आपके पास एरर है, ई पास एरर है। एरर मीन हमें पता है एक्स सैंपल सैंपल और पॉपुलेशन के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है, ठीक है। तो अगर हमें सैंपल साइज फाइंड करना पड़ जाए, आज तक सैंपल साइज हमेशा हमें गिवन होता था, अगर आपके सैंपल साइज फाइंड करना पड़ जाए, और ये इंपॉर्टेंट है, तो कैसे फाइंड करेंगे सैंपल साइज? तो लेट्स सी। उसने कहा 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। हमने कहा हाउ लार्ज सैंपल, उसने कहा सैंपल कितना होना चाहिए। हमने कहा सैंपल का फॉर्मूला ये होता है n इज इक्वल टू जी अल्फा बाय टू, जी अल्फा बाय टू उसने कहा 95%, 95% मीन 5% के लिए 2 टेल देखें तो 1.96 होता है। तो हमने कहा हमें एन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है जी अल्फा बाय टू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एरर और होल का स्क्वायर। ये देखें फॉर्मूला ये वाला आपके पास होता है। तो हमने कहा जी अल्फा बाय टू कितना है, हमने पता चल गया 1.96, हमने कहा यहां पर आ जाएगा 1.96। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 20। उसने कहा ही विश टू एस्टिमेट विद इन, जो ये विद इन का वर्ड होता है ना, विद इन का मतलब होता है कि एक्स और मीन के दरमियान में कितना एरर आ रहा है। उसने कहा विद इन 5 है, यानी कि उसने ये कहा, एक फिजिशियन ने एस्टिमेट किया कि ये कोलेस्ट्रॉल का सीरम है जो लेवल ऑफ पॉपुलेशन का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करता है। उसने कहा हाँ, जो 5 यूनिट प्लस माइनस हो सकता है, तो ये 5 यूनिट से जो प्लस माइनस का वर्ड किया है स्टैंडर्ड एरर था। जैसे कि अगर हम एक निम्को का पैक देखें, किसी भी चीज का पैकिंग देखें, ठीक है, जिसमें कोई क्वांटिटी डाली गई होती है, हमेशा लिखा था प्लस माइनस 0.5। हाँ, इसका वेट 20 ग्राम है, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, वो जो प्लस माइनस होता है वो स्टैंडर्ड एरर होता है, वो 5 है। इसका स्केयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 61.4। तो 61.47, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट इक्वल सैंपल नंबर होता है ना, एन तो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, तो ये 61 हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 61 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि हमने सैंपल फाइंड करना है, सैंपल फाइंड करना है, लेकिन पॉपुलेशन मीन नहीं, पॉपुलेशन प्रपोर्शन की मदद से, पॉपुलेशन प्रपोर्शन में ये आता है। देखें, अगर पॉपुलेशन मीन हो तो फॉर्मूला होता है ये वाला, यहां पर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्लियर। अब ये एक और क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, ये भी वही है, यानी कि उसने ये कहा है हाउ लार्ज सैंपल, सैंपल कितना होना चाहिए एन, तो फॉर्मूला जी बता दिया उसने 1.96 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, सिग्मा इज 1 pound है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, एरर कितना है 0.05 प्लस माइनस है, तो 0.05 स्केयर किया, आंसर आ जाएगा 1537, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल होगी पॉपुलेशन मीन की। फिर हम सैंपल फाइंड करते हैं, अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन गिवन हो जाए, तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है जी अल्फा बाय टू स्केयर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय ई, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो पी कितना है, उसने कहा 500 में से 215 जो है वो मेल है, तो पी कितना आ जाएगा 215 डिवाइडेड बाय 500, तो P आ जाएगा मेरे पास 215 डिवाइडेड बाय 500 0.43, तो Q क्या आ जाएगा 0.57। तो N फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है Z अल्फा बाय टू पी क्यू ओवर E, तो ये फॉर्मूला होता है पी क्यू ओवर E। जी अल्फा बाय टू क्या मेरे पास 95%, आपको पता है 95% 1.96 होता है, पी क्यू मेरे पास क्या है, पी क्या 0.43, क्यू क्या है मेरे पास 0.57, ई कितना है, एरर कितना, उसने कहा प्लस माइनस 2%, तो 2% मीन 0.02, ठीक है। तो जरा देखिए इसका आंसर क्या होता है,
तो आंसर आ गया, इसका स्केयर भी करना है, आंसर आ गया 2353.94 अप्रोक्सीमेट 2354। तो ये हमारे पास सैंपल आ जाता है जब हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन हो। तो यहाँ सैंपल आ गया, इसके साथ स्केयर कर लें, होल का स्केयर कर लें, ठीक है। और ये सैंपल मीन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो एस्टीमेशन की रिवीजन है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी क्या सी रिवीजन रहेगी, हाइपोथेसिस की रहेगी और काई स्केयर की रहेगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।